जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट और बिहार के अन्य नौकरी के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सभी अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप लोग देख लेंगे 8 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, जो आज की बड़ी खबर है। और उसमें यह बताया गया है कि जो लोकसभा का चुनाव के बारे में आप लोग जानते हैं 2024 में है, और विधानसभा का चुनाव के बारे में आप लोग जानते हैं 2025 में है। तो इसको देखते हुए आप लोग देख सकते हैं 8 लाख पद के बारे में बताया गया है कि जो प्रावधान हो सकते हैं कि जो किए जाएं बजट में, और आगे आने वाले समय में हो सकता है सभी पद पर 2025 तक नियुक्ति का योजना हो। तो ये सब बातें आज का जो पेपर के माध्यम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और आप लोग यह भी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कई बार बातें स्पष्ट की गई है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं जो बड़े पैमाने पर बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो कि महारैली में भी आप लोग सुने होंगे, जो कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की के बारे में बताए हुए हैं। और इसको देखते हुए सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं, बजट से बड़ी खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं। और शिक्षक नियुक्ति को लेकर बजट सामने आए, और इसके अलावा अन्य नौकरी को लेकर, कुल मिलाकर 8 लाख सरकारी नौकरी को लेकर बजट में बड़ा प्रावधान देखने को मिले। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी यह भी उम्मीद कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले सातवें चरण के अभ्यर्थी के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, जो कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, आप लोग जानते हैं बिहार के जो शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि जो 2023 का जो वर्ष है वो नियुक्ति वर्ष होने वाला है। तो सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए पहले बहाली होगी, और उसके बाद जो कि प्राइमरी के लिए होगी, तो इसमें पद रिक्त नहीं रहेंगे, ये भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं। तो इसलिए अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की ज़्यादा बातें करते हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आप लोग यह भी जानते हैं कि जो बिहार के राज्यपाल के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, बिहार के राज्यपाल के माध्यम से जो स्पष्ट किया गया है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य जो पूरा लगभग हो चुका है, जो सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य, तो इसमें शिक्षक की भी जरूरी है, शिक्षक की भारी कमी है उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप लोग यहाँ पर देखें सभी जानकारी पर, अब आगे बातें करेंगे जो रिक्तियों की संख्या के बारे में कुछ जानकारी पर बातें कर लेते हैं। और सभी अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं जो कि 2023 में ही नियुक्ति वर्ष जो बातें सामने आई है वो सच हो जाए। और इसके अलावा जो बिहार के मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में भी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बहाली के बारे में जो टेट पास अभ्यर्थी से बोले हैं, इसके अलावा जो 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी बातें स्पष्ट किए हैं। तो कई बार बोल चुके हैं ये बिहार के शिक्षा मंत्री जी, और या फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से भी कई बार बातें स्पष्ट हो रही है। तो सभी अभ्यर्थी अब उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो कि यहां पर देख रहे होंगे प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या, पद विवरण आप लोग देख लीजिए। तो 80,257 पद हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। हाई स्कूल टीचर के लिए आप लोग देख सकते हैं, हाई स्कूल माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पद की संख्या 1,20,000 से भी अधिक पद हैं। और इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो रिक्तियों की संख्या के बारे में, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख लीजिए, 7,360 पद जो कि हाल में स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 33,916 पद, उसमें 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं, तो कुल मिलाकर 8,360 पद हो जाते हैं, 8,360 पद कंप्यूटर शिक्षक के, इसके अलावा बैकलॉग के पद, तो कुल मिलाकर लगभग कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या 9,000 के आसपास लगभग हो जाती है। अब आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, जो कि प्रयोगशाला सहाय के बारे में भी बताया गया है पेपर के माध्यम से। तो ये सब पद स्वीकृत होते हैं, उसके बाद आप लोग को ये हो सकता है कि जो भी प्रयोगशाला सहाय के अभ्यर्थी है, तो आप लोग को 2025 तक में ये सभी पद पर बहाली देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखना होगा पद स्वीकृत के बाद
आगे बातें करेंगे। प्रयोगशाला सहायक का बहाली कब तक होता है, कब तक इसके लिए विज्ञापन जारी होता है, इसके लिए जो बात करें अर्हता की बात करें तो स्नातक पास होने चाहिए तीन विषय जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, तो पद स्वीकृत होने के बाद आगे बातें करेंगे। विद्यालय सहायक की भी वही बातें हैं, विद्यालय परिचारी के बारे में भी वही बातें हैं। पद स्वीकृत होने के बाद आगे की बातें स्पष्ट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो वो कुल मिलाकर उसमें भी 19,263 पद के करीब में 19,000 से अधिक पद के बारे में बताया गया है। प्रयोगशाला इसके बारे में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के जो कुल मिलाकर पद की संख्या के बारे में दोनों मिलाकर बात करें तो, और विद्यालय सहायक के लिए जो आप लोग अर्हता की बात करें, जो योग्यता शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय परिचारी के लिए जो भी मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, ये सब के बारे में विस्तार से बातें कर चुके हैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से जाकर। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इस पर बातें कर चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे पुलिस विभाग के लिए, आप लोग देख लीजिए। पुलिस विभाग में भी आप लोग देखे होंगे कि जो हाल में पद स्वीकृत हुए हैं और कुल मिलाकर 75,000 और पहले से होंगे तो लाखों पद पर पुलिस विभाग में भी पुलिस सिपाही ये सब जो दारोगा ये सब में बाहरी सब इंस्पेक्टर में बाहरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हेल्थ विभाग के बारे में बात करें तो हेल्थ विभाग में भी 1,60,000 से अधिक पद के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं जो 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी जो कि बातें स्पष्ट की गई है, कई बार बातें स्पष्ट हुई है, जब सरकार के द्वारा कई बार बातें स्पष्ट की जा रही है जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी कई बार खुलासे कर चुके हैं, जो यह वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है और 3 लाख से भी अधिक पद शिक्षा विभाग में 3,85,000 से भी अधिक पद के बारे में बताए हुए हैं। तो सभी अभ्यर्थी की उम्मीदें बनी हुई हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग, जो कि बिहार के राज्यपाल ने की पुष्टि, तो बिहार के जो पूर्व राज्यपाल के बारे में बात करें तो बिहार के राज्यपाल ने भी पुष्टि की है 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। इसके अलावा जो बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ भी देखेंगे जो कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुए थे, तो उसमें भी बातें स्पष्ट हुई कि जो जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ये बातें निर्देश भी दिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, और एक बार दो बार हुआ है तो एक बार बोले भी हैं। तो ये सब बातें अब स्पष्ट हो रही है सभी जानकारी, तो लगभग अब उम्मीद की जा रही है आप लोग देख सकते हैं। ऐसे में तो सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं कि जो सभी अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण का इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो उम्मीद कर रहे हैं तो 7वें चरण के अभ्यर्थी अब स्कूल में होंगे, वह दिन दूर नहीं, जिस तरह से सरकार द्वारा बातें स्पष्ट की जा रही है। तो सभी अभ्यर्थी भी प्रयास करें, अभ्यर्थियों का प्रयास भी अहम है, अभ्यर्थी यदि प्रयास करते हैं तो सरकार भी तेज गति से, आप लोग जानते हैं बिहार के राज्यपाल के माध्यम से भी बातें जो स्पष्ट की गई है हाल में, तो उसमें आप लोग कल का जो आप लोग देखे होंगे उसमें भी बातें राज्यपाल जी स्पष्ट किए हैं। तो राज्यपाल स्पष्ट क्या किए हैं, तो वो बोले हैं कि जो कि तेज गति से क्वालिफाइड शिक्षक, योग्य शिक्षक की नियुक्ति तेजी से, तो ये सब बातें तेजी से लक्ष्य ये सब बातें किए हैं, तो सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।